आज के लेक्चर में हम एम्पिरिकल रूल के सेकंड एग्जांपल पढ़ेंगे। इसमें यह है कि 95% ऑफ द स्कूल डेटा स्कूल स्टूडेंट जो है वो उनकी हाइट 1.1 मीटर से 1.7 मीटर टाल में है। यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास लेट सपोज ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, सही, ये इसका मीन है सेंटर पॉइंट, और इससे वन स्टैंडर्ड डिविएशन और ये हो गया टू स्टैंडर्ड डिविएशन, या फिर वन स्टैंडर्ड डिविएशन और टू स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इन दो वैल्यूज़ के दरमियान, यानी ये अगर आप इस तरह मिलाएं तो इसके दरमियान ये यूरियन बनता है, इसमें 95% डेटा लाई कर रहा है। अभी ये कैलकुलेशन जो है हमने करनी है मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो देखें मीन हमारे पास होगा इन बिटवीन, तो इन दो पॉइंट की दरमियानी वैल्यू में किस तरह कल इन दोनों को ऐड करो, टू भी डिवाइड करो, 1.1 और 1.7 को ऐड करो, 2 को डिवाइड करो तो 1.4 मीटर बनता है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने कैलकुलेट करना है, तो ये पॉइंट हमारे पास 1.1 है और ये हमारे पास 1.4 है। 1.4 से 1.1 को सब्ट्रैक्ट करो, सही है, तो इसे एक वैल्यू आएगी और ये 1, 2, 3, 4 टू स्टैंडर्ड डिविएशन इधर साइड पे, तो हमारे पास 4 स्टैंडर्ड डिविएशन बन रहे हैं। 4 पर डिवाइड करेंगे तो देखें हमारे पास ये 1.7 है, सॉरी 1.4 नहीं, सही, तो ये 1.7 माइनस 1.1 डिवाइड बाई 4, इससे 0.6 आ रहा है, डिवाइड बाई 4 विच इज़ 0.15 मीटर, सही है, तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन होगी। तो अभी हमारे पास ये रिजल्टिंग कर्व है और ये इसमें ये जो रेड नज़र आ रहा है ये डेटा है। अभी लाइकली डेटा, वेरी लाइकली और ऑलमोस्ट सर्टनली डेटा, ये तीन हमारे पास टर्मिनोलॉजी समझें। अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन में आ रहा हो तो ये लाइकली डेटा है, यानी यहाँ पे कोई कहीं लाइक कर रहा हूँ इन इस रीजन में कहीं डेटा लाइक कर रहा है, तो इसका मतलब है दिस इज़ लाइकली डेटा। अगर टू स्टैंडर्ड डिविएशन में लाइक कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास वेरी लाइकली है। और अगर थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन में लाइक कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये आलमोस्ट सर्टन है, सही है। तो यहाँ पे एम्पिरिकल रूल का एग्जांपल 2 भी, यानी कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।